के छात्र छात्राएं यहाँ से जुड़ेंगी, तमाम डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय के एनएसएस के छात्र जुड़ेंगे। लगातार उसके हम लोग उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि हर संडे को यहाँ मेला लगेगा और तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ आएंगे और अपनी अपनी भावनाओं से हम लोगों को अवगत कराएंगे और ये शहीद वाल के महत्व के बारे में बताएंगे और उन लोगों के माध्यम से ये संदेश पूरे भारत देश में जाएगा। अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जा रहा है, धीरे धीरे दूसरे जनपदों में दूसरे प्रदेशों में जाएगा और लगातार दूसरे जगह भी शहीद वाल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए आदरणीय वीरेंद्र लाठरा जी जान से लगे हुए हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जनपद ही नहीं, प्रदेश के उच्च अधिकारियों को उससे मिल रहे हैं, उनको शहीद वाल तक ला रहे हैं और इसका मकसद बता रहे हैं और वास्तव में शहर में अमन चैन रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये शहीद वाल है। इससे हम अपने अतीत के बारे में तो जान ही रहे हैं, साथ ही हम प्रदेश में एक अमन चैन का संदेश भी दे रहे हैं और इलाहाबाद में इस तरह की परंपरा इससे पहले कभी नहीं शुरू हुई और इलाहाबाद के हृदय कहे जाने वाले सिविल लाइन्स में इस तरह की परंपरा शुरू करने के लिए मैं पुनः आदरणीय प्रोफेसर आपी मिश्रा साहब, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, श्याम सुंदर पटेल जी, इन्हीं सब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम ये समझ सकते हैं कि अभी पूरी गर्मी में हम लोग हर रविवार को एकत्रित हुए, बारिश हो रही है लेकिन इसका प्रेम ही आप देख लीजिए कि बारिश होने के बाद भी लोग एकत्रित हैं और शहीद वाल पे अपनी बातें अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे हैं। आने वाले समय में चाहे जितनी शीतलहर हो उसमें भी हम लोग एकत्रित होंगे और जो भी प्रस्तुतियां हो हम शहीद वाल से जुड़े हैं, हम देश के सच्चे सिपाही हैं, चाहे वो 18 साल का नौजवान हो चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, यहाँ आने के बाद सभी नौजवान और जवान हो जाते हैं और देश की भक्ति में डूब जाते हैं और ऐसी ही परंपरा की आज यहाँ जरूरत है जिसको हमारे जो सीनियर्स हैं उनके अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः शहीद वाल से जुड़े लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो लगातार इस मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आने वाले समय में वो हमसे जुड़ेंगे और उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो देखते हुए निकल जाते हैं और आज नहीं तो कल उनके मन में ये जरूर भाव जागृत होगा कि हम अभी तो देखते जा रहे हैं लेकिन यहाँ बैठना भी चाहिए, यहाँ समय भी देना चाहिए और अपने अतीत के झरोखे को झाड़ना चाहिए।